आज मध्य प्रदेश के कई विषयों को लेके आए, हम लोगों की भेंट हुई और मैंने सारे अधिकारियों को बुला के तत्काल चर्चा की सामने हम लोगों ने। जैसा उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी स्त्री अन्न को प्रोत्साहित करने का उनका आह्वान है और मोटे अनाज के फायदे हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोदों कुटकी ये मोटे अनाज के रूप में विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में होता है, तो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई खरीद कोदों कुटकी की नहीं होती थी। अब हमने 4,290 रुपया जो रागी का समर्थन मूल्य है उसी पर कोदों कुटकी की खरीद करने का फैसला किया है ताकि श्री अन्न को हम बढ़ावा दे सकें और आदिवासी भाई और बहनों को उचित दाम मिल सके। मूंग की खरीदी की अनुमति भारत सरकार ने अभी मध्य प्रदेश को दिया, समर मूंग काफ़ी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मूंग भारी मात्रा में उत्पादित हुआ है, तो उस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। फिर एक मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, मोहन जी उस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, वो ड्रिप और स्प्रिंकलर, प्रधानमंत्री जिनका पर ड्राप मोर क्राप, तो मध्य प्रदेश ने कैनाल इरिगेशन छोड़ के प्रेशराइज पाइप वाली प्रणाली अपनाई है जो देश में एक उदाहरण है। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं कि 2.5 एकड़ के चक के सामने एक आउटलेट देते हैं। अब उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम अगर किसान लगा ले तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा सिंचाई कर पाएगा। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के टारगेट बढ़ने चाहिए, तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की इस बात पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। एक छिंदवाड़ा जिला छूट गया था पीएम जनमन योजना में, वहाँ भारिया नाम की एक हमारी जनजाति रहती है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो जनमन योजना में उनको भी, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विभाग के सामने रखे हैं, तो मध्य प्रदेश के और देश के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी के हर जो विषय उनने रखा उसको बहुत गंभीरता से लिया है। कई पर अभी तत्काल हमने फैसले किए हैं और कई ऐसे हैं जिन पर नीतिगत विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश विकसित बने तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगा। कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब के ऑफिस में आया था मध्य प्रदेश की, हमारे कुछ विषय भी थे जिन विषयों पर आज विस्तार से चर्चा भी हुई, कुछ निर्णय भी हुए। एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन देते हैं श्री अन्न करके, ऐसी हमारी अपनी राज्य की फसल कोदो कुटकी वो MSP में छूट गई थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के सामने वो विषय रखा है। रागी एक उसके इक्वेलेंट एक फसल है, उसके बराबरी से उसको MSP में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। अभी आपको बताएंगे आपने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारे अपने सरबती गेहूँ या बासमती चावल या मूंग की फसल का रकबा खरीदी में उसका दायरा बढ़े, आपने भी सुझाव दिया कि हमारे यहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी है, इस तरह से भी बढ़ना चाहिए तो दलहन का पूरा उत्पादन बढ़े। पाम ऑयल के लिए भी आपका आग्रह है कि पाम ऑयल पे भी बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे स्थान है जहाँ पाम सहजता से होते हैं, तो ये खाद्यान्न की एक बड़ी अपनी पूर्ति करता तेल के दिशा में खास करके। तो मैं आए और इसी प्रकार से पंचायत के निर्माण के विविध प्रकार के अलग अलग कामों के बारे में, आपके पास ग्रामीण पंचायत विभाग भी है, उसका लाभ भी हमने लेने के लिए कुछ निर्णय करने के लिए मैंने आग्रह किया और आपने भी माना उसका।